कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, देवांग के पास वापस लौटेंगे, लेकिन चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ देवांग से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच टेक्निकल राय देने के लिए हमारे साथ हमारा टेक्निकल पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ राजेश पालविया हैं और साथ ही रुचित जैन भी हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। बाजार में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राजेश, बाजार में तो हाई ऑन वॉलेटिलिटी है, लेकिन दो तीन चीज़ों से तो सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे वो एक बड़ा रीजन, और सबसे बड़ा रीजन जदानी के जो फियर ओवरडन जैसी सिचुएशन अब दिख रही है, क्योंकि एफपीओ पूरी सब्सक्रिप्शन की भी फिगर्स आ गई। तो ऐसे में बाजार में क्या अब यहाँ से लॉन्ग बेट्स लेने में अभी भी कोई हिचक है, या आपको लगता है कि हाँ अब थोड़ी बहुत लॉन्ग बेट्स बैंक्स में दी जा सकती है? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो बिल्कुल देखिए, जो है मार्केट से डर था वो कहीं ना कहीं एक एक डर तो यहाँ से निकलते हुए दिख रहा है मार्केट का। अडानी का एफपीओ सेल थ्रू हुआ है तो हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखी, और बैंकिंग स्टॉक्स में हमने देखा कि ओपनिंग के बाद से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनते हुए दिखा। बैंक निफ्टी भी एक कम्फर्ट जोन में ट्रेड करते हुए दिख रही है, 40,500 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी सेटअप यहाँ पे थोड़ा सा इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे बेटर हुआ है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के कंपेयर में, और काफी बैंक प्राइवेट बैंक एज वेल एज पीएसयू बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है। तो अभी हम यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस जो होंगे लेकिन वो होंगे करीब 40,200 के आसपास बैंक निफ्टी के, और निफ्टी में हमें लगता है 17,500 ये स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है, और अपसाइड में हमें लगता है ये मोमेंटम 17,750 और 17,800 ये दो क्रूशियल लेवल है, वहां तक एटलीस्ट एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी में लॉन्ग अगर ट्रेड करना है तो कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड किया जा सकता है। 17,650 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 156 के आसपास, ये लॉन्ग कर ले और इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 110 रुपए के आसपास, और अपसाइड के टारगेट 220 से 250 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो 17,650 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह भी रहेगी निफ्टी में इस पुल बैक को प्ले करने के लिए। ओके ठीक है, और राइट। तो यहाँ से आप तो बैंक निफ्टी को प्लस करने की बात कर रहे हैं, एक बार रुचित से भी उनका व्यू समझ लेते हैं वेरी क्विकली कि रुचित आप किस तरह से इस वक्त स्ट्रेटजी इंडेक्स पे बना रहे हैं? जी वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मोर और लेस बायस हमारा भी थोड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज़ अगर हम देखेंगे मार्केट्स में पिछले दिनों में ऑलरेडी एक जो करेक्टिव फेज आया है, टारगेट प्रोजेक्शन से 17,400 वो ऑलमोस्ट मेट हो चुके हैं। 400 पॉइंट का रेंज हमने मोस्टली जनवरी के मोस्ट ऑफ द जनवरी मंथ में देखा, वो 400 पॉइंट का रेंज का ब्रेकडाउन आया जब 17,800 टूटा, और 17,800 से 400 अगर हम लेस करते तो 17,400 के आसपास के लेवल्स थे जो एक चैनल का सपोर्ट एंड भी है। तो आई थिंक आज जैसे मार्केट वृद्धि में भी हम देख रहे हैं कि फाइनली ये मार्केट वृद्धि भी इंप्रूव हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट्स में स्लो एंड ग्रेजुअल मूव हम देखेंगे। और एक बात अच्छी ये है कि मार्केट का ओवरऑल पोजिशन देखेंगे तो नो कंपेयर टू यूजुअली जो पहले हो चुका है, अब तो क्या बजट वो एक इवेंट है जो ट्रिगर बनेगा उनके शॉर्ट्स कवरिंग के लिए? पिछले साल मुझे याद है 2022 में जब उनकी इतनी हैवी शॉर्ट्स बनी थी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो कहीं 16% के आसपास उनकी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो आई थी जहां से उन्होंने फिर अपनी शॉर्ट्स कवर की थी। ऑल्दो इस बार क्वांटम कम है पिछले टाइम की वजह कंपैरेटिवली, पर जो शॉर्ट पोजीशन है 82% अगर शॉर्ट साइड पे है तो कुछ भी पॉजिटिविटी अगर हमको बजट में दिखने मिलती है तो ये शॉर्ट्स कवर होने का है जिससे मार्केट को एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो आई थिंक थोड़ी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली रहेगी, बड़ा इवेंट है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी में जो भी अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 17,500 17,600 एक अच्छा सपोर्ट रेंज बन सकता है मार्केट्स के लिए। तो बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी इंडेक्स के लिए बनाए, और स्टॉक स्पेसिफिक आई थिंक अभी भी काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है बाइंग के लिए। आइए ट्रेडिंग आइडियाज भी ले लेते हैं रुचित के। रुचित ने अपने ट्रेडिंग आइडियाज नहीं शेयर किए, अभी लेवल्स की बात की है। क्योंकि भले ही बाजार कहीं भागा नहीं चला जा रहा है, बैंक निफ्टी में एक रिबाउंड आया, लेकिन इंडिविजुअल काउंटर्स में गजब का मूव देख रहे हैं। टाटा मोटर्स को देखिए, लास्ट चार दिन से न जाने क्या हो गया, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैगुआर की तरह स्टॉक भाग रहा है, जैगुआर की जो गाड़ी है उसकी तरह स्टॉक भाग रहा है आज 455 की तरफ। हालांकि आज एक रिपोर्ट भी आई है 550 की, लेकिन कुछ जबरदस्त 13% लास्ट 5 दिन में, क्या बात रुचित, जरा इसको बताइए चेक करके। टाटा मोटर्स आज सुबह से हम लॉन्ग लेके बैठे हुए हैं, आराम से मिल गया था आज ये,
सुबह ओपनिंग के बाद भी, क्या किस लेवल्स के लिए वेट करेंगे आप? ये क्लियर इंपल्सिव मूव है, फिलहाल हमने एक ऑलरेडी प्राइस वाइज करेक्शन देखा, उसके बाद टाइम वाइज करेक्शन में देखा, लेकिन जनरली सीरीज में हमने जब से वो 410 415 के हर्डल ये स्टॉक ने क्रॉस किए उसके बाद दोनों क्लियरली लॉन्ग बिल्टअप देखने मिले। सेकेंडली अगर आप रिसेंट करेक्शंस भी देखे लास्ट 15-20 ट्रेडिंग सेशन में बीच बीच में जो करेक्शन आए तो करेक्शन में कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं थे, यानी जब भी करेक्शन आ रहे हैं तो ज्यादा कोई सेलिंग नहीं आ रही है वॉल्यूम्स के साथ में, बट प्राइस अप में फिर से काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो काफी अच्छे साइंस है ये। ऊपर टेक्निकल आई थिंक 468 के लेवल्स ये रैली में एटलीस्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए। सो कोई भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस बनाई हो और ऑटो एज अ स्पेस भी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो आप सेक्टोरल ट्रेंड भी देखेंगे तो पॉजिटिव है, और विद इन द सेक्टर आई थिंक टाटा मोटर्स सर्टेनली एक जो आउट परफॉर्मेंस है वो आगे भी कंटिन्यू रख सकता है। चलिए ये तो टाटा मोटर्स है, इनफैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा एक्शन तो हम इस वक्त देख ही रहे हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में करीब 250 अंकों की बढ़त है और मार्केट की हीट मैप में भी पहले दो स्टॉक्स जो आप देखेंगे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं। अच्छी मजबूती के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक में भी ट्रेड है और टाटा मोटर्स का जिक्र। लेकिन रुचित, हाई गुड आफ्टरनून, आपके ट्रेडिंग आइडियाज बता रहे थे आप। Yes, दो स्टॉक्स है, पहला मैं ऑटो से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि हम टाटा मोटर्स के बारे में या ऑटो स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उस वजह से मेरी जो पिक है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की है। सो ऑल टाइम हाईज आज फिर से स्टॉक ने टेस्ट किए है, कंसोलिडेशन या टाइम वाइज करेक्शन हुआ और उसका उसके बाद एक अच्छा अप ट्रेंड का रिजम्पशन आज स्टॉक में हुआ है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी की सलाह है 1320 का स्टॉप लॉस रख के 1480 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक जो है वो भी टाटा ग्रुप कंपनी है, ऑल्दो टाटा मोटर्स नहीं है लेकिन विद इन द टाटा ग्रुप ट्रेंड लिमिटेड हमें लग रहा है कि जो करेक्टिव फेज है उसके बाद काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हाल फिलहाल ये स्टॉक आई थिंक मिड कैप से लार्ज कैप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी क्लासिफिकेशन हुआ है, सो आई थिंक यहाँ पे हमको आने वाले शॉर्ट टर्म में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखी जा सकती है क्योंकि प्राइस वाइज करेक्शन पूरा हो चुका है आई थिंक, और स्टॉक अपने वीकली मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे थोड़ा शॉर्ट टर्म का नजरिया रखे, ट्रेंड लिमिटेड में यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की सलाह है 1155 के स्टॉप लॉस से 1380 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, एक बार राजेश के भी चलिए आइडियाज ले लेते हैं, ट्रेडिंग आइडियाज। राजेश, आप भी अपनी ट्रेडिंग स्पेसिफिक बेट्स बता दें आज की। प्रियंका जी, पहला स्टॉक वो होगा फर्टिलाइजर स्पेस में, उसमें चंबल फर्टिलाइजर है। चंबल फर्टिलाइजर का सेटअप देखें तो एक करेक्शन के बाद काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आज के सेशन में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है हमें लगता है ये एक सेक्टर हो सकता है जहां पे बजट में कुछ ना कुछ इस सेक्टर के रिलेटेड अनाउंसमेंट होते हुए दिखे, तो फर्टिलाइजर सेक्टर में हमें चंबल पसंद आता है। 325 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 298 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो केमिकल स्पेस से, उसमें टाटा केमिकल हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है। टाटा केमिकल में देखें तो लास्ट दो सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट लोअर साइड से करेक्शन के बाद देखने को मिला है, स्टॉक में एक ओवरसोल्ड जोन से एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रहा है। टाटा केमिकल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 1015 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 955। तीसरा स्टॉक बाय करेंगे बैंकिंग स्पेस से और उसमें हम SBI पे फोकस कर रहे हैं। ये स्टॉक में जो हमने देखा था पिछले दिनों में एक सेल ऑफ होने के बाद स्टॉक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में देखे तो 200 डे मूविंग एवरेज पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके वहां से बाउंस जो बना है और आज के सेशन में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हमें लगता है SBI यहां से फर्दर अप मूव एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 570-575 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है और स्टॉप लॉस होगा 540 का। तो जैसा हमने बताया बैंक निफ्टी में भी हमें व्यू यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है और निफ्टी भी हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं और हमें लगता है SBI यहाँ से एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन लेते हुए दिख सकता है और बैंक निफ्टी को फर्दर हायर साइड पे लेके जाने में ये एक सपोर्ट देता हुआ दिखेगा, तो SBI भी हमारे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। चलिए, बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, मेटल्स जैसे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर है, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और एक कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। बात होगी NIIT लिमिटेड के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजे आते हुए दिखे, आय, मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर नंबर्स पॉजिटिव थे लेकिन तिमाही आधार पर कुछ चैलेंजेस, कुछ कंसर्न्स भी थे। आइए सीधा समझते हैं कंपनी के मैनेजमेंट से। हमारे साथ NIIT लिमिटेड के CEO और ED सपनेश लल्ला जुड़ गए हैं। सपनेश, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो नतीजों के लिहाज से देखिए, कंपनी के रेवेन्यू के फ्रंट पर ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पॉजिटिव नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स भी आपके ऑलमोस्ट 570 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखे हैं। नंबर्स में कौन से फैक्टर्स रहे जिन्होंने स्ट्रेंथ दी, आप बताएं। ये जो सीक्वेंशियल ग्रोथ आपने देखी रेवेन्यू में खास करके ओवरऑल NIIT के, इसकी दो वजह हैं। एक, CLG ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। Q2 में उनका ग्रोथ काफी कम था पर Q3 में
क्वार्टर एंडिंग दिसंबर में अच्छा रिकवरी हुआ है रेवेन्यू का और प्रॉफिटेबिलिटी का भी सीएलजी के बदौलत। इसके अलावा हमने सेंट चार्ल्स कंसल्टिंग ग्रुप का एक्विजिशन किया, वो एक्विजिशन मुकम्मल हुआ नवंबर 4 को और उसके बाद से उनके जो फाइनेंशियल्स हैं एनआईटी के फाइनेंशियल्स में इंक्लूडेड है। तो ये दो वजह हैं जिसकी वजह से सीक्वेंशियल ग्रोथ नजर आ रहा है एनआईटी में। मिस्टर सपनेश, क्योंकि जैसे आप बता भी रहे हैं नंबर्स, इसमें एक जो बड़ा पॉइंट था पोस्ट Q2 हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉफिट वार्निंग तो आपकी दिख रही है अभी फिलहाल, क्योंकि मार्जिन्स भी आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, कैसी लग रही है अभी फिलहाल की स्थिति, आगे फॉरवर्ड जाते हुए आप किस तरह की गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? नियर टर्म अनसर्टेनिटीज तो अभी हैं, मार्केट एनवायरनमेंट में काफी अनसर्टेनिटी है, जिस तरफ भी देखें सारे कंट्रीज में अनसर्टेनिटी है, पर इस अनसर्टेनिटी के बावजूद भी सीएलजी एंड ओवरऑल एनआईटी में नया कस्टमर एक्विजिशन काफी अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी इंप्रूव हुई है। हमारे जो भी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल के लिए आए थे वो भी 100% रिन्यूअल रेट हुआ है, उसकी वजह से हमें इम्प्रूव परफॉर्मेंस का काफी भरोसा है। हम सोचते हैं कि नियर टर्म में हमारी परफॉर्मेंस बेटर रहेगी इन स्पाइट ऑफ द मार्केट अनसर्टेनिटी। ओके, ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे सपनेश, आज समय देने के लिए और रिजल्ट्स के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए कुछ और स्टॉक्स की तरफ लौटते हैं, इनफैक्ट मैक्स हेल्थ केयर को एक बार चेक करते हैं, उनको लेकर भी एक खबर आई है कि वो एक फंड रेजिंग को कंसीडर कर रहे हैं, एक्सचेंजेस पर कुछ देर पहले ही आई है ये खबर। एक बार मैक्स हेल्थ केयर इसका चार्ट एक बार पुल करें राजेश, और इस पर राय दें, इस स्टॉक में भी काफी इंटरेस्ट है इंस्टीट्यूशंस का भी, और आप ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज भी थी एंट्री पॉइंट के लिए, अब तो ऊपर से करेक्ट भी हुआ है, क्या आप इस पर चार्ट चेक करके बताएं क्या एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं? तो प्रियंका जी, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 से 8 वीक में अगर हम देखें तो स्टॉक एक टाइट रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लोअर बैंड जो है स्टॉक का करीब 425 के आसपास है और हायर साइड पे 455 इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल सेटअप बने हुए, हमें लगता है स्टॉक में सूनर और लेटर एक हायर साइड पे ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा, क्योंकि ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लास्ट 2-3 महीनों में हमने देखा एक कंसोलिडेशन यहाँ पे ऑलरेडी होते हुए दिखा है, बट स्टॉक में इतने वोलेटाइल मार्केट में भी अपने सारे इंपॉर्टेंट नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन रहने में कामयाब रहा है। हमें लग रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ तो बिल्कुल बनी हुई है, जिनके पास पोजीशन है बने रहना चाहिए, फ्रेश लॉन्ग भी किया जा सकता है, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 418 रुपए के आसपास, और अपसाइड में इमीडिएट टारगेट 455 का अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जो बनना चाहिए वो करीब आएंगे 490 तक। एक काम करते हैं, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में जो तेजी आ रही है उसका एक रीजन ये भी है, ऑफ कोर्स M&M अगर आप 4.5% का जो अपमूव देख रहे हैं 1400 की तरफ, उसमें ये एलिमेंट है कि कमेंट्री रूरल के लिए अच्छी है इकोनॉमिक सर्वे में, और उम्मीद ये है कि रूरल को लेके काफी ज्यादा बूस्ट रहेगा बजट में, और बजट में ट्रेड चल रहा है। ये है ऑटो सेल्स के एक्सपेक्टेशंस। एक बार जल्दी से सृष्टि से कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ अच्छे सेल्स आने की उम्मीद है, फिर इनके इनमें कैसा ट्रेड बन रहा है, क्या ट्रेड करना चाहिए बात करेंगे। सृष्टि बताइए आप, कल आने वाले हैं ऑटो सेल्स के नतीजे, जहां पे अगर इस बार हम देखें तो 2023 के पहले महीने में अच्छे ही जो है हमने सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। क्रॉस द सेगमेंट अगर हम बात करें तो वहां पे हमने ग्रोथ देखी है, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है जो कि इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हुआ नजर आएगा इस बार, पर इसकी वजह ये नहीं है कि डिमांड कमजोर है, इसकी वजह ये है कि पिछले साल का भी जो बेस था वो काफी बड़ा ही था, हाई बेस के चलते अगर आप साल दर साल कंपेयर करेंगे तो वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे, और पिछले महीने का भी जो बेस था वो बड़ा था, जिसके चलते महीने दर महीने ये आंकड़ा जो है आपको नेगेटिव आते हुए दिखेगा। बट इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर्स और साथ ही ट्रैक्टर की जो बिक्री है महीने दर महीने हमें बढ़ती हुई ही नजर आती हुई दिखी है। सबसे पहले कंपनी स्पेसिफिक में मारुति सुजुकी की बात करते हैं, इस बार महीने दर महीने 19% की ग्रोथ की हमें बढ़त की उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर महीने में प्लांट शटडाउन भी था, और इस महीने अगर हम देखें तो कंपनी की जो सेल्स ऑर्डर बुक है वहां पे उनका कहना है कि 4 लाख यूनिट से भी ज्यादा
की है, तो उसको लेके प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आया है। 1.65 लाख जो है कंपनी इस बार यूनिट्स अपनी बेचती हुई नजर आ सकती है। वही महिंद्रा में सपाट ही हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी महीने दर महीने, पर ये भी एक ग्रोथ मानी जाएगी। पर इसके अलावा टाटा मोटर्स में हम 11% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जैसा हाईलाइट किया, महीने दर महीने अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे तो नेगेटिव फिगर ही दिखाएगा। बट इसके अलावा आंकड़ों पे उम्मीद अगर हम आपको बताएं तो आयशा मोटर्स में 6500 यूनिट से ज्यादा बिकने की हमारी उम्मीद है इनके VECV सेगमेंट में। वहीं टाटा मोटर्स में 34500 के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है, और अशोक लेलैंड से 16500 से भी ऊपर यूनिट्स हमें बिकती हुई नजर आ सकती है। टू व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट डिवीजन है वहां पे अभी भी चिंताएं बरकरार है, जहां पे अगर हम बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स की बात करें तो महीने दर महीने कोई भी इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। पर इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प जो पूरा डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस है, महीने दर महीने 7% की ग्रोथ, वहीं बजाज ऑटो टीवीएस मोटर्स की तरफ से 13% की ग्रोथ। पर नजर रखेगा आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड पे, क्योंकि 72,500 यूनिट्स ये आंकड़ा आ सकता है, जो कि महीने दर महीने 6% की ग्रोथ हमें आती हुई दिख सकती है। आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें, जो फार्म सेंटिमेंट है वो अभी भी काफी अच्छी तरीके से मजबूत है, इसके चलते जो बिक्री है वो महीने दर महीने बढ़ती हुई नजर आई है 10 से 16%। एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये जबरदस्त रैली, जरा वेस्ट लाइफ के स्टॉक को लेके आइए, रिजल्ट्स आए हैं अभी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं, लग रहा है लोग दबा के बर्गर और पिज्जा खा रहे हैं, और 7% ऊपर है स्टॉक, लेके आइए डॉक्टर साहब। ये देखिए 6% 40 रुपए 7.5। इनफैक्ट आपको याद होगा कह रहे थे ना कि सारे न्यू एज स्टॉक्स क्यों चल रहे, क्योंकि बाजार में कुछ हो नहीं रहा। जब टेंशन हो रहा है तो क्या करते हैं, डबल चीज बर्गर देखेंगे, फूड कंफर्ट फूड खाएंगे, कंफर्ट फूड जो है ना ज्यादा स्ट्रेस में होता है वो ज्यादा खाता है, करेंगे लग रहा वही हाल हो रहा है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आज आपको याद होगा कि लास्ट क्वार्टर के आई थिंक नंबर्स थोड़े से सबड्यूड रहे थे बिकॉज़ ऑफ द चीज प्राइसेस, और ये चीज जो है ना जुबिलेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, चीज एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट ये लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ यहाँ से भी आ रही है कि इन्होंने अपनी जो 5-year प्लान दी है उसमें बहुत अग्रेसिव ग्रोथ दी है, काइंड ऑफ प्योर स्टोर्स की बात की है, कहीं ना कहीं इसमें है। नंबर्स अगर हम चला सके डायरेक्टर साहब तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज चार्ट तो चल ही रहा है, स्टॉक तो चल ही रहा है, वही इम्पोर्टेंट है। राजेश जी से बात कर लेते हैं, राजेश जी अभी भी रिजल्ट आया और स्टॉक 40 रुपए भाग गया। ये स्टॉक जो है लास्ट 3-4 दिनों से धीरे धीरे चलना शुरू किया था, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके ऊपर चढ़े हैं लोग, इसमें मोमेंटम अच्छा है, क्या भाव के लिए वेट कर सकते हैं जिस तरह का चार्ट बन रहा है इस समय? राजेश जी, एक रेंज का होते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, और अब यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है, तो स्टॉक अब 720 के ऊपर सस्टेन रहेगा, तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो इमीडिएट बन के आता है वो करीब 755-760 के आसपास है। अगर ये स्टॉक में 760 के लेवल क्रॉस होते तो हमें लगता है जिस तरीके के इसके ट्रेंड बने हुए मंथली सेटअप के हिसाब से वहां पे रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड वापस होते हुए दिखेगा, और ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि करीब 815 के आसपास है वहां तक भी मूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है शॉर्ट टू मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से, नियर टर्म में भी एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिखी, तो बाय करना चाहिए। 705 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, अपसाइड का टारगेट 760 और उसके बाद 815, ये पोजिशनल टारगेट हमें लगता है इसी स्टॉक में आते हुए दिखेंगे, तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और एक करेक्शन के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ये स्टॉक वापस यहाँ पे, जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे वापस आज देखने को मिला है। तो वेस्ट लाइफ फूड पर ये रहा है, और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस भी लगातार फोकस में रहेंगे, लेकिन ऑटो सेक्टर का जिक्र अभी सृष्टि कर भी रही थी, और ऑटो बिक्री के डेटा से ठीक पहले, ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले अनुमान भी बता रही थी। आपसे रुचित जानना चाहेंगे, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में M&M है जो कि लीड कर सकता है सालाना आधार पर, और मंथ ऑन मंथ बेसिस नंबर्स पॉजिटिव आ सकते हैं, और कमर्शियल व्हीकल स्पेस में आयशर मोटर्स हैं, यहाँ पर एक टाटा मोटर्स पर इन दोनों स्टॉक्स के भी चार्ट चेक कीजिए।
कंपेरेटिवली देखो तो महिंद्रा एंड महिंद्रा नो डाउट विद इन द एंटायर ऑटो बास्केट एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। इवन जब मार्केट एक करेक्टिव फेज में था, जहाँ पे हमने दूसरे सारे ऑटो स्टॉक्स में भी करेक्टिव फेज देखा था, तभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में मोर एक टाइम वाइज करेक्शन हुआ था और कोई मेजर प्राइस वाइज नो डैमेज हमको स्ट्रक्चरल डैमेज देखने नहीं मिला था। सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस महिंद्रा एंड महिंद्रा में सर्टनली आगे चल के भी कंटिन्यू रहेगी, तो वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। फॉर आइशर मोटर्स 3300 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, जो हर्डल है जो क्रॉस करना जरूरी है। ऑफ लेट हमने 3800 से लेके लगभग 3100 तक का एक प्राइस वाइज करेक्शन होते हुए देख लिया है। अब मोमेंटम रीडिंग्स फिर से टर्न थोड़ा पॉजिटिव हुए, सो आई थिंक प्राइस वाइज मेजर करेक्शन अब और आगे इमीडिएट शॉर्ट टर्म में नहीं देखने मिलेगा। बट वेदर यहाँ से पुल बैक मूव कोई बड़ा रहता है कि मोर टाइम वाइज करेक्शन या कंसोल्टेशन फेज में जाता है, दैट नीड्स टू बी सीन। और 3300 आई थिंक एक क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए। इनकेस ये स्टॉक नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में ये 3300 के लेवल्स पार कर देता है, तो फिर हम एक अच्छा प्राइस वाइज पुल बैक मूव स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3480 3500 के लेवल्स भी आगे चल के देखने मिल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो आइशर मोटर्स और दूसरे ऑटो स्टॉक्स की बात रही, लेकिन इस बीच अब जो दूसरे हम स्टॉक्स में मूव देख रहे हैं, आईटीसी लगातार पिछले 3-4 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स के भी अच्छे नंबर्स आए थे। ये एक स्पेस भी है जो बजट से इम्पैक्ट भी होता है, जो अगर कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो तभी लग रहा है इसमें भी तेजी है। इसमें रूरल एंगल भी है, रूरल एंगल भी है, मैंने आपको बताया ना, रूरल एंगल है, रूरल एंगल है। और बजट में अगर सिंटैक्स नहीं आया है, जो डर है बाजार का, हां तो यहाँ से भाग जाएगा स्टॉक। 360 वाला 330 जाके आया, और ये इतना बड़ा स्टॉक है, इसके लिए 30 रुपए का जो करेक्शन है ना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इक्विटी का साइज बहुत बड़ी है, फ्लोट बहुत बड़ा। करेक्ट, तो इसका मतलब शायद हो सकता है कि बाजार में कुछ तो पॉजिटिव इसको लेकर पता है कि पिछले 4 दिन से आप देख रहे हैं ये चल भी रहा है स्टॉक्स। लेकिन एट द सेम टाइम आज आप L&T को भी देखें, वहां पर भी आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार जो 2200 के पास, इनफैक्ट 2300 तक की तरफ छलांग लगा दी थी इसने पिछले 7 दिन में, ये भी 7% करा हुआ है। कैपिटल गुड स्पेस ये भी बहुत एक फोकस एरिया है, इंफ्रा कैपिटल, इंफ्रा स्पेंडिंग, कैपिटल गुड स्पेस, इन सबको लेते हुए इस थीम से जुड़ा हुआ। राजेश, कोई काउंटर आपके दिमाग में आता है क्या, L&T को लेवल से प्लस कर सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, ओवरऑल L&T का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है जरूर। हमने पिछले दिनों में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जिसको कह सकते हैं देखा, देखने को मिली। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। आज जरूर मॉर्निंग में थोड़ा सा रिएक्शन था, प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन लोअर साइड से वापस यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है इसके स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, ये एक जो करेक्शन बना है एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। जब तक ये स्टॉक 2070 के नीचे नहीं फिसलता है, ये स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव साइड में ही ट्रेड करते हुए मिलेगा। और हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में हायर साइड पे 2170 2180 के लेवल क्रॉस होंगे, तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 2250 2300 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल इतने वोलेटाइल मार्केट में भी ये स्टॉक अपने आप में एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे बताते हुए दिख रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे बाय करने की सलाह। और हमें लगता है ये स्टॉक अगले ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे कंटिन्यू रखेगा। 2250 2300 तक के पोजिशनल टारगेट है, स्टॉप लॉस करंट लेवल से अब हम सजेस्ट करेंगे 2070 के आसपास। ऑल राइट, ठीक है। सो L&T पर ये आप एंट्री पॉइंट की बात बता रहे हैं अपसाइड यहाँ से देखते हुए, ठीक है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, आप राजेश से और रुचित से उनकी BTST ट्रेड आइडियाज भी लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। UPL के नतीजे आप देखेंगे नजर आते हुए, और इस वक्त अगर देखें नतीजे जो है अच्छे नजर आ रहे हैं, और रेवेन्यूज के फ्रंट पर भी मजबूती, कंपनी की आय जो है बढ़कर आई, और मुनाफे के फ्रंट पर भी आंकड़े ठीक ठाक है, जिसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं UPL के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5 से 2% तक की मजबूती। 1090 करोड़ का मुनाफे का फिगर यहाँ पर आता हुआ दिखा है, और साथ ही अन्य आय जो है वो भी बढ़ती हुई दिखी है, 64% बढ़त अन्य आय के आंकड़े में करीब 115 करोड़ पर। UPL क्विकली राजेश जी एक बार अपनी राय दीजिए, 766 के लेवल्स आज के उच्चतम स्तर, उन्हीं के आसपास ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ऑलरेडी एक
ऑलरेडी होते हुए दिखा था, और हमें लगता है जिस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए, स्टॉक अपने 20-day 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा, अब नंबर्स के बाद अगर ये 740 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 780 की तरफ हमें लगता है इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए, 780 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है 740 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस से, और अगर ये 780 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 800 रुपए तक भी बनते हुए दिख सकता है। तो बाय करने की सलाह 740 का स्टॉप लॉस रखें। एक्चुअली एक और कैंडिडेट है ऐसा जिसका यूरोप पे बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का जाता है, और अगर यूरोप सुधरता है तो इसको भी फायदा मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, लास्ट एक साल का चार्ट दिखाइए, ये 750-800 में जाके अटक जाता है स्टॉक। इससे बहुत होप ट्रेड जाते हैं 650 पे, 850 जाके अटकता है और उसके बाद 900 निकल। ये देखिए 830 इसका जोन है अभी तो है, 2 week हाई है इसका 748-750 अभी तो जगह है 30-40 रुपए, लेकिन इसका नियर टर्म टॉप 820-800 वहां अटकता है उस जोन में। कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल पाता, एक बड़ा ट्रिगर बना था लेकिन वो भी मटेरियलाइज नहीं हुआ था, तो ये पर ये जो आप यूरोप वाली बात कर रहे हैं ना, मॉर्निंग में भी आई वाज चेकिंग सम स्टॉक्स, फिर हम बहुत सारी चीजों में शायद रह गई ये बात, लेकिन सारे स्टॉक जिनका रेवेन्यू, जिनका एक्सपोजर रेवेन्यू अच्छा है यूरोप से, चाहे वो भारत फोर्ज हो, संवर्धना मदर सोमनी में इतना नहीं था, वैरोक इंजीनियरिंग देखें, सुबह ये सारे परफॉर्म कर रहे थे, थोड़े से प्रॉफिट ऊपर से नीचे आए, थोड़े से गेंस जो है वो इरोड हुए हैं, लेकिन ये स्पेस तो काम कर रहा है। जो आप बात हाईलाइट करो कि यूरोप वाली, यूरोप जो है उतना इतना बुरा हाल नहीं होने वाला है, ये एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स ने 1 महीने पहले ही बोल दिया था, और उसके बाद धीरे धीरे लोग समझना शुरू करेंगे। तो यूरोप पिटे हुए स्टॉक्स, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसे यूपीएल टाइप के कंपनी, जरा बालकृष्णा लेके आइए, बालकृष्णा आज कैसा चल रहा है, और बालकृष्णा ये हमारे बताने के बाद नहीं चल रहा है, बालकृष्णा ऑलरेडी चलना शुरू हो गया नीचे से, बालकृष्णा इंडस्ट्री BKT, डॉक्टर साहब क्या हुआ, वन ऑफ द फेवरेट बालकृष्णा, ये देखिए ये 1700 से चलना शुरू हो गया 2200 के टॉप, और आज 2.5% है। ये देखिए प्रियंका जी, आपने ध्यान दिया, देखा बिल्कुल, सुबह ये वाली बात पे तो मैं सारा डेटा और भी देख रही थी, रुपये का अब मुंह, हमने सुबह ही बताया था इन स्टॉक तो छोड़िए मत आप, ये एंसिलरी की भी एंसिलरी कैटेगरी आ जाती है, रबर टायर स्पेस, ये टायर जो बनाते हैं मानसी जी, उसका साइज जो है ना, आपको अगर आपके जैसे दो लगा दें उतने बड़ा बड़ा के टायर बनाते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग और कैटरपिलर, कैटरपिलर भी बहुत बड़े बड़े बड़े, और कैटरपिलर ने अभी अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, तो उस ऑफ रोडिंग की ये टायर बनाते हैं, यूरोप की वजह से ये रिवर्सल आया। रुचित से एक बार समझते हैं, रुचित बालकृष्णा सुबह लिया, ये देखते हुए कि IMF ने कहा यूरोप उतना बुरे हाल में नहीं है जितना हम समझ के बैठे, ये ले तो लिया, पॉजिटिव में है, अब क्या करें, फिलहाल होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टॉक का पॉजिटिव है। एक दिन का जो सेल ऑफ हमने लास्ट वीक में देखा था उसमें स्टॉक ने अपने 89 या 100 EMA के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाया जो 2100 के आसपास है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक का सीधा 2300 के अराउंड है, सो एटलीस्ट 70-80 रुपए का और पुलबैक मूव ये स्टॉक में एक्सटेंड होना चाहिए। तो अगर कोई ट्रेडर्स ने इसको बाय किया तो डेफिनेटली कैरी करिए, 2300 के आसपास स्टॉक को प्रॉफिट बुकिंग के लिए रिव्यू कर सकते हैं। ओके, एक और स्टॉक इनफैक्ट सुबह भी हम इसे डिस्कस कर रहे थे, कोई याद होगा वॉल्यूम बहुत कम होता है, संसेरा इंजीनियरिंग, ये आज ब्रेकआउट कैंडिडेट है, सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, नंबर्स में चेक कर रहे थे, इसके नंबर्स तो शायद आ चुके हैं लेकिन आज उसमें भी मूव है, इसका भी संसेरा इंजीनियरिंग, अगर आप रिफर करें इसमें भी 4% की मूव है, इसका एक्सपोजर एक बार चेक करते हैं, क्या इनका भी एक्सपोजर है क्या स्पॉट मार्केट में, मे बी ये रीजन देखना पड़ेगा। एक बार राजेश से पूछ रहे हैं, राजेश संसेरा इंजीनियरिंग कैसा दिख रहा है आपको चार्ट में, काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है बहुत टाइम तक स्टॉक, क्या अब इसमें कुछ रिवर्सल दिख रहा है? संसेरा इंजीनियरिंग एनालाइज करें तो एक फॉलिंग चैनल में ये ट्रेवल कर रहा था, फॉलिंग चैनल में ट्रेवल कर रहा था और इसका ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। अब आज के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अपने 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन करने में कामयाब हुआ है, और हमें लगता है कि जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना, अब यहाँ पे अगर ये 765 को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे फर्दर स्ट्रेंथ एडअप होते हुए दिखेगी। हालांकि लो वॉल्यूम स्टॉक है लेकिन जिस तरीके के प्राइस बिहेवियर बने, हमें लगता है अगर अभी 740 के ऊपर रहा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 780-790 की तरफ आते हुए दिख सकता है। सांसेरा इंजीनियरिंग पर ये राय इस वक्त, लेकिन इस बीच ACC अंबुजा ये स्टॉक्स भी काफी फोकस में रहे, इनफैक्ट अदानी ग्रुप स्टॉक्स ही पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा जाए काफी हद तक फोकस में थे। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ रहा है अदानी एंटरप्राइज, हमने आपको सोर्स बेस्ड अनाउंसमेंट पहले ही बताया था, अब ये पूरा होने का जो अनाउंसमेंट है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, इसलिए ये बहुत जरूरी है।
अदानी एंटरप्राइज में इतने पुश एंड पुल के बावजूद फाइनली पूरा एफपीओ भर गया है, इससे मूड सुधर रहा है। 2980 रुपए का भाव है, एक बार इसके चार्ट देखना जरूरी है, क्या इसका बॉटम हो गया, यहां से लेना चाहिए? अगर प्योरली ट्रेड के हिसाब से बात करें तो राजेश आप क्या कहेंगे अदानी एंटरप्राइजेस? देखिए अजय जी, काफी वोलेटिलिटी रही है कुछ 3-4 दिनों में स्टॉक में, हालांकि लोअर साइड पे एक लॉन्ग लोअर शेडो बनी है जो कि क्लियरली दिखाता है कि एक लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट था स्टॉक में और एक वहां से पुलबैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिखा है। लेकिन अभी भी हम इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन करें तो यहाँ पे वीकनेस तो जरूर है, बट यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अभी हमें लगता है थोड़ा पुलबैक कंटिन्यू होगा। आज का जो प्राइस एक्शन है ऑलमोस्ट ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल करते हुए दिख रहा है, जो कि ये करीब 3050-3060 के आसपास ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा अडानी एंटरप्राइजेस के लिए, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है वापस तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि स्टॉक के प्राइस को 3150-3200 की तरफ ले जा सकती है। तो हमें लगता है थोड़ा एक दिन का और वेट करेंगे, 3050-3060 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको वॉच करेंगे क्लोजली। अगर उसको क्रॉस करेगा तो जरूर ये एक नियर टर्म में यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा और थोड़ा पुलबैक आगे आने वाले दिनों में कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, बट टिल द टाइम 3060-70 एक रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेगा। 1% भरा NII, हिस्सा 3.2 टाइम्स, रिटेल 11% और सेल थ्रू कर गया FPO अडानी एंटरप्राइजेस। ACC और अंबुजा, रुचित इस पर आपसे राय लूंगी, लेकिन ACC के नंबर्स से ठीक पहले एक बार अनुमान भी देख लेते हैं, क्योंकि बिक्री के लिहाज से नतीजे एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छे आते हुए दिखेंगे, वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस के फ्रंट पर भी अनुमान ये है कि नतीजे जो है ठीक ठाक रहेंगे, हालांकि इनके खर्चों में बढ़ोतरी है जिसका एक इम्पैक्ट मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर पड़ता दिख सकता है। इनफैक्ट अजय, अंबुजा सीमेंट अपने ऑफर प्राइस से भी एक बार नीचे जाता दिखा था ड्यूरिंग टफ टाइम्स, अब इनफैक्ट ACC अंबुजा में एक्शन देख रहे हैं हम, वो सिचुएशन जो है ठीक होती हुई नजर आ रही है। मैं बताऊं आपको कि मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव जोन में आता हुआ नजर आया था, बिकॉज ये जिस प्राइस पे अदानी ग्रुप ने लिया था वहां आ गया था, वहां एग्जैक्टली एक्विजिशन प्राइस वहां से कितना चला है, 50 रुपए चल गया वहां से अगर एक हफ्ते में देखें तो, और 350 के भाव पे ये सिर्फ 10 times DV2 EBITDA हो जाता है, जो सेक्टर एवरेज से कम है, तो सस्ता हो जाता है। आप दुनिया की कोई चीज मत देखिए, आप देखिए सस्ता महंगा क्या है, जो सस्ता है उसकी तरफ आप मूड बनाए और चार्ट देखिए मिक्स करके, क्योंकि वो ग्रो होगा आगे, कहीं ना कहीं आगे पीछे। इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, प्योर ट्रेडर की नहीं, राइट, और वहीं पे वही हुआ एग्जैक्टली, अंबुजा 50 रुपए ऊपर आ गया। ACC अंबुजा दोनों के चार्ट चेक कीजिए, मजबूती इस वक्त दिख रही है दोनों स्टॉक्स में। रिसेंट ये सेल ऑफ के बाद ये काफी ओवरसोल्ड हो चुके हैं, ऑल्दो वोलेटिलिटी स्टॉक में आगे चल के भी थोड़ी ज्यादा रह सकती है, लेकिन ये ऐसे लेवल्स है कि जहाँ पे आपको कोई भी डिक्लाइंस विद इन द वोलेटिलिटी अगर अब इन स्टॉक में देखने मिलेगी कि आपको बहुत जल्दी से नीचे के लेवल से बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा। जैसे आपने अंबुजा सीमेंट की बात की है ना, वो ऑफर प्राइस के आसपास जब गया था तो तुरंत ही वहाँ पे ट्रेडर्स का या इन्वेस्टर्स का बाइंग इंटरेस्ट हमको क्लियरली दिखा, जिसके कारण पुलबैक हुआ है। तो शायद प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है स्टॉक्स में, और कोई अभी यहाँ से सिग्निफिकेंट डाउन मूव प्राइस वाइज नहीं दिखेगा। अब वेदर वो अप मूव यहाँ से शार्प रहता है कि ग्रेजुअल अप मूव यहाँ पे पुल बैक मूव रहता है, ये कहना ये हमें आगे चल के देखना होगा। बट हमें लग रहा है कि नीचे ACC 1800-1850 के रेंज में काफी अच्छा सपोर्ट बेस ACC के लिए रहेगा, और सिमिलरली अंबुजा सीमेंट भी कोई भी डिक्लाइंस में अगर फिर से ये स्टॉक में 360 के आसपास अगर आता है तो वो अच्छा नो लेवल्स रहेंगे जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेड स्टॉक में लेने चाहिए। सो बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बन सकता है आगे चल के, प्राइस वाइज डाउन साइड यहाँ से काफी लिमिटेड लग रहा है। लिमिटेड लग रहा है अदानी, ये इसकी बात कर लेते हैं अदानी एंटरप्राइजेस की, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी खबर है, ऑफिशियल एक्सचेंजेस पे आ चुका है कि इनका एफपीओ पूरा भर गया है। हमने ETN और स्वदेश में आपको एक घंटे पहले ये खबर दे दी थी, बड़े बड़े फैमिली ऑफिस ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। विनीत बोलिंजकर जो इस पूरे समूह के इस पूरे ग्रुप के स्टॉक्स को बहुत केयरफुली एनालाइज करते हैं, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज को एड्रेस करने के लिए। विनीत, आपने पहले ही इंडिकेट किया था कि डिमांड आ जाएगी इंस्टीट्यूशन से, एग्जैक्टली वही हुआ, बड़ा एफपीओ था देश का सबसे बड़ा, पूरा हो गया, आपका क्या रिएक्शन है? एक्चुअली वी आर वेरी हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव न्यूज फ्लो दैट वाज कमिंग इन फ्रॉम ओवरसीज। अभी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कंपनी जा रही है, और हमें लगता है कि जिस तरह से स्टॉक्स में करेक्शन आई है, काफी सारे स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे पहुंच गए हैं। अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स,
अडानी पोर्ट तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक हो गया है, एंड इसमें अभी आप देखोगे कि जो डिविडेंड यील्ड वाले इंस्टीट्यूशन रहते हैं वो भी साझेदारी करेंगे इसमें. एंड अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइजेस, ये जो चार स्टॉक्स है हमें बहुत अच्छे लग रहे इस टाइप प्राइस पे इन्वेस्ट करने के लिए. अडानी विलमार तो एक कंजम्पशन स्टोरी है, और इंडिया की जिस तरह से कंजम्पशन बूम इंडिया में आने वाला है आने वाले सालों में, हमें लगता है अगर आप ये चार पांच बिजनेसेस में निवेश करोगे तो आपको तीन साल में काफी अच्छी वैल्यू क्रिएशन स्टोरी अनफोल्ड होते दिखती है. इस टाइम पे इन्वेस्टर को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये सारे जो बिजनेसेस है रॉक सॉलिड बिजनेसेस है विथ ग्लोबल मार्केट शेयर, नॉट ओनली लीडिंग मार्केट शेयर, ग्लोबल मार्केट शेयर है, और इनके जो मार्जिन है बिजनेस के दे आर वेरी एफिशिएंट एंड हाई मार्जिन बिजनेसेस जो हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे. ओके ऑल राइट, यही था बिल्कुल मार्जिन. आप पर्सनली भी क्योंकि मैनेजमेंट से टच में रहते हैं और आप तो बहुत एक्सटेंसिवली अडानी स्टॉक्स को कवर भी करते हैं, क्या विजन अगले दो साल के लिए ग्रुप का दिखता है? कि अभी जो है ना इंटरेस्ट रेट राइजिंग ट्रेंड पे है, तो जो डेट ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी जो ये ग्रुप फॉलो कर रहा था उसमें थोड़ा सा शिफ्ट इन एलोकेशन हो जाएगा कि आप अभी इक्विटी रिलेटेड डाइल्यूशन आएगा इंस्टेड ऑफ डेट बेस्ड एक्सपेंशन. तो मुझे लगता है इनमें काफी डेट कम हो जाएगा एंड इक्विटी डाइल्यूशन होएगा, बट इक्विटी डाइल्यूशन विल बी ए वेरी आरओई पॉजिटिव क्योंकि हाई लेवल्स पे डाइल्यूशन आएगा आगे जाके. तो हमें लगता है ये इन्वेस्टर के निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और ये काफी आरओई पॉजिटिव रहेगा तो उसमें इनकी वैल्यूएशन भी सस्टेन होगी. ओके ऑल राइट, बिल्कुल विनीत, लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी आपने इनफैक्ट इस ग्रुप के कुछ स्टॉक्स पर स्पेसिफिक आपने रेकमेंडेशन दी थी. इनफैक्ट हमारे साथ अब निकुंज भी बने हुए हैं, निकुंज से भी बात करते हैं. विनीत आप बने रहे हमारे साथ. निकुंज, एक जो फियर सबसे बड़ा बाजार में अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ को देखकर लग रहा था कि रिटेल से पार्टिसिपेशन आएगी नहीं आएगी, पूरा एफपीओ भरेगा या नहीं भरेगा, क्या वो फियर ओवरडन हो जाएगा आज की इस डेटा फिगर्स से? देखिए एक बात करते हैं एफपीओ की. एफपीओ द फैक्ट दैट इट हैज बीन फुल्ली सब्सक्राइब्ड एक मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज मार्केट के अंदर हम दिख रहे थे समय काफी नर्वसनेस है. जाहिर इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप इतनी बड़ी फंड रेजिंग करता है और किसी भी कारणवश अगर वो इतनी बड़ी फंड रेज खत्म हो जाती है तो इसके तीन नेगेटिव रिपरकशंस हो जाते हैं. नंबर वन, इतना बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप जी जो एक इंडिया का प्रीमियम ग्रुप है वो फंड रेजिंग नहीं कर पा रहा है और जो ग्लोबल रिसर्च फर्म जो रिपोर्ट निकाल रही है उसको देख करके इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं. दूसरा, अगर फंड रेज नहीं होती तो इसका इम्पैक्ट बैंक्स पे क्या पड़ता है, और हमने देखा था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट के साथ बैंकों के शेयर में काफ़ी गिरावट आई थी. और तीसरा, इसका जो इम्पैक्ट आता है एग्रीगेट मार्केट पे भी आता है कि भाई क्या भारत का प्रीमियम इस समय कम हो रहा है और क्या भारत की जो बड़ी कंपनियाँ हैं बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो हमेशा इक्विटी रेज करते हैं क्या उस वो किसी प्रकार के अब संकट में आ रहे हैं. तो ये तीनों मुझे लगता है कि फ्रॉम एन मार्केट स्टैंडपॉइंट, फ्रॉम द अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी स्टैंडपॉइंट एंड फ्रॉम फॉर बैंक्स, ये तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी हैं. मगर इसके अंदर जो एक नेगेटिव बात वो ये है प्रियंका कि जो बुक हुई है उसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं है, और रिटेल इन्वेस्टर इसलिए नहीं है क्योंकि जाहिर है अगर आईपीओ का प्राइस एफपीओ का प्राइस 3000 से ऊपर है, अंडरलाइन स्टॉक प्राइस अगर 3000 के नीचे है तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं आएगा. रिटेल इन्वेस्टर डिस्काउंट पर आना चाहता था, डिस्काउंट इस समय है नहीं, इस समय प्रीमियम पर है, तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें नहीं आया है. ये जो स्टॉक है वो इंस्टीट्यूशनल बैकिंग से निकला है. अब आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हैं जी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी प्रीमियम पर क्यों आ रहा है, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करता है वो दिनों के बारे में नहीं सोचता है, वो सालों के बारे में सोचता है. अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्ले है जिनके अंदर जो अंडरलाइंग एसेट है वह रोज ऊपर नीचे नहीं होती है, अनलाइक लॉट ऑफ कंपनीज जिसके अंदर जैसे बैंक्स है, बैंक्स में स्टॉक प्राइस इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको कैपिटल रेज करनी होती है. कैपिटल रेज इज अ फंक्शन ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस, जैसे हमने देखा है प्राइवेट बैंक्स जो करते हैं. तो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में वह समस्या नहीं थी, तो वो देख करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आए जो 5-6 साल 10 साल
का व्यू लेना चाहते हैं, मगर रिटेल इन्वेस्टर इस इशू में नहीं आया है। यह एक बड़ा नेगेटिव सा पॉइंट है जो मैं निकालना चाहता हूँ। बट इन जनरल ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है। मार्केट में जो नर्वसनेस थी वो जाहिर है कम हो जाएगी। अब ये समझना पड़ेगा कि भाई इशू तो निकल गया, अब स्टॉक्स का क्या होगा। मुझे नहीं लगता है कि एक राइजिंग टाइड फिनोमिनन था जो अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में सब स्टॉक्स एक साथ ऊपर जा रहे थे, वैसा नहीं होगा। अब मुझे लगता है डिफरेंशिएटेड अप्रोच आएगी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। मार्केट इमीडिएटली शायद सीमेंट कंपनीज अंबुजा और ACC की तरफ जाए जहाँ पे मार्केट को एक हिस्ट्री ऑफ कंफर्ट है। फिर अडानी पोर्ट जिसके अंदर न्यूज़ देखने को मिल रही है, शायद मार्केट का ग्रेविटेशन वहाँ हो जाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि मार्केट अडानी एंटरप्राइज में दोबारा आया जो कि एक प्लेटफॉर्म कर प्लेटफॉर्म का प्ले है। अडानी विल्मर जिसके अंदर ऑपरेटिंग बिजनेस अच्छा है, बिजनेस और वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आ रही है, हर महीने वो अपडेट देते हैं। तो हो सकता है कि इस पूरे चर्न के अंदर एक मंथन की बात करते हैं प्रियंका मानसी अजय, समुद्र मंथन जब होता है तो विष अलग निकलता है और अमृत अलग निकलता है। तो इस मंथन में जो मार्केट में मंथन हुआ, अडानी ग्रुप शेयर में जो मंथन हुआ है, हो सकता है कि इन द नियर टर्म कुछ अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स गिरना रुक जाएंगे, मगर उनके अंदर अचानक V-शेप उछाल नहीं आएगा एंड डिस्प्रोपोर्शनेट आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। जो हमने 4-5 नाम लिए शायद उनमें ज्यादा आ सकता है, ये मेरा मानना है। वेरी क्विकली निकुंज, एक व्यू बैंक्स के ऊपर इम्प्लीकेशन, क्योंकि लोग परेशान हो गए थे बैंक्स पे क्या होगा और बैंक को पनिश ज्यादा कर रहे थे। आज हमने बैंक में ही सबसे बड़ी रिबाउंड भी देखी दिन भर में। यह अजय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जाहिर है जब कोई बड़े ग्रुप में जिसमें लेवरेज कंसर्न्स हैं, जिसमें डेट इक्विटी रेशियो को लेकर के आज नहीं कल नहीं काफ़ी सालों से मार्केट बात कर रहा है, जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो सबसे पहले होता है जी भाई इतनी बड़ी ग्रुप है जो एक्सपेंशन मोड में है वो बैंक्स को कैसे अपना रिपेमेंट करेगा, क्योंकि अब कैपिटल आ चुकी है और ये बात तो एक तरह से पुष्टि हो चुकी है कि अडानी ग्रुप कैपिटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से रेस कर चुका है। बैंक्स के अंदर जो कंसर्न हुई थी स्पेशली प्राइवेट PSU बैंक्स के अंदर, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जिनके अंदर अडानी ग्रुप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, वह मुझे लगता है वो जो चिंता है नियर टर्म में अब ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है अजय मार्केट अब अगले 24 घंटे और अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में बजट पर ज़्यादा फोकस करेगा और अडानी ग्रुप को लेकर के जो एक भय का वातावरण बना था फ्रॉम एन मार्केट स्टैंडपॉइंट मुझे लगता है वो ख़त्म हो गया। तो मैं थैंक करूँ, उससे पहले मैं लिबर्टी लूंगा, हालांकि मार्केट क्लोज हो रहा है। अभी अभी सोर्सेज की न्यूज़ ये आ रही है कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन फैमिली ऑफिसेज के कुछ नाम आए हैं और सोर्सेज हैं हमारे बाजार में, वो बैंकिंग सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी, सज्जन जिंदल, सुनील भारती मित्तल, सुधीर मेहता टॉरेंट ग्रुप और पंकज पटेल जाइडस ग्रुप ने अपने अपने फैमिली ऑफिस से इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपका क्या रिएक्शन होगा निकुंज? ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए कि दूसरे कॉर्पोरेट ग्रुप्स अगर एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर है कि अच्छी बात इसलिए है कि भाई देखिए इट इज़ अबाउट दैट द कैप्टन्स ऑफ इंडिया इंक आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर स्टैंडिंग एंड दे आर बिलीविंग इन द इंडिया स्टोरी। द फैक्ट दैट व्हेन देर आर अप्स एंड डाउन्स हर बिजनेस साइकिल में होते हैं, हर कंपनीज में होते हैं, मगर द फैक्ट दैट द ग्रुप्स हैव कम टुगेदर दैट ऑल्सो इज एन इंडिकेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विच सम ऑफ दीज यू नो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैव टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए आप निवेश कब करते हैं? जब आपको कॉन्फिडेंस होता है। जब आपको कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपको आने वाला कल, आने वाले अच्छे, आने वाले आज से अच्छा लगता है। तो अगर मित्तल ग्रुप, जिंदल ग्रुप, टॉरेंट ग्रुप, अगर इन ग्रुप्स ने इंडोर्समेंट दिया है, शायद आपने एक और नाम लिया था, इंडोर्समेंट दिया है, तो एक प्रकार का एक इंडोर्समेंट है कि इंडिया इंक का मानना है कि आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज अडानी की स्टोरी क्या है? एक प्लेटफॉर्म यूटिलिटी, एक यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर पोर्ट है, यही जो सेक्टर्स है ये आने वाले इस दशक में भारत के हाई ग्रोथ सेक्टर्स रहेंगे बिकॉज भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो अगर कॉर्पोरेट इंडिया इन ऐसे ग्रुप एक दूसरे को बैक कर रहे हैं तो अच्छी बात है और एक प्रकार का इंडोर्समेंट ये है कि जो भारत की जो स्टोरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, वो एकदम मजबूत और इंटैक्ट है। ऑल राइट, एब्सोल्युटली निकुंज, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारा टेक और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच मार्केट भी क्लोज हो चुकी है, इनफैक्ट अच्छी खासी गेंस के साथ हम निफ्टी बैंक पर भी हम देख रहे हैं, लगभग 450 पॉइंट की बढ़त के साथ अब बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक सबसे पहले डेंट हुए थे। और आप टॉप गेनर्स भी देखें तो उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का सबसे बड़ा लीडर SBI बैंक लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद होता दिख रहा है। अडानी ग्रुप और सबसे दूसरा जो बड़ा पैक हैमर हुआ था वो बैंक्स थे और स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैमर हुए थे।
थे वहां पर आपको रिकवरी दिखी है। जो दूसरे बड़े स्टॉक्स है क्योंकि ऑटो नंबर्स भी आने हैं और उसको देखते हुए आप बैंक की रफ्तार ऑटो की रफ्तार ऑलरेडी तेज है। M&M जैसे स्टॉक्स में मूव है, आयशर मोटर्स तेज है, हीरो मोटर कॉर्प में लगभग 2.5% की तेजी है और साथ ही सीमेंट पैक में अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी आपको दिख रही है। पावर ग्रिड फिर से बाउंस बैक होकर लगभग 2.5% की मूव के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ITC अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक में ITC टाइटन इनमें सपने मूव है और ये रीबाउंड हुए हैं। अदानी पैक के कौन कौन से स्टॉक्स आप बढ़त के साथ क्लोज होते हुए देख रहे हैं, लगभग 3% की बढ़त के साथ आपको अदानी एंटरप्राइज दिखाई दे रहा है और साथ ही आपको दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको अदानी एंटरप्राइज के साथ अदानी पोर्ट्स 2.5% तेज हुआ है। ये निफ्टी स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। एक बार मिड कैप में भी देख लेते हैं कि वहां कहां रिकवरी अच्छी अटेम्प्ट हुई और क्लोजिंग में किस तरह के प्राइजेस दिख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो लीड कर रहे हैं। गेनर्स में आपको ऊपर ट्राइडेंट BEL जैसे स्टॉक्स, बैंक्स में PNB के नंबर्स अच्छे आए, बैंक ऑफ इंडिया, सो फिर से आपको PSU मिड टियर PSU में एक अच्छी रिकवरी दिख रही है, यूनियन बैंक हो इनमें मूव है। मेटल्स आपको फिर से चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, टाटा स्टील इन लार्ज कैप्स और मिड कैप में आपको टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में तेजी दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम थोड़े से कंसर्न अदानी ग्रुप के कुछ स्टॉक्स जैसे अदानी विल्मर में अभी भी बने हुए हैं, वहां 5% का डाउन सर्किट है। पतंजलि फूड में लगभग 1% की, ये भी क्योंकि उसी सेंटिमेंट के साथ चलते हुए दिखाई दे रहा है तो वहां पर आपको एक गिरावट जरूर दिख, क्योंकि ये बाजार आज का दिन इस महीने का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी था। तो एक कंपाइलेशन में हमने देखा कि इस पूरे महीने में निफ्टी लगभग 2.5% गिरा है, मिड कैप स्पेस लगभग 2.5% गिरा है और आपको स्मॉल कैप में भी गिरावट देखने को मिली है। चले तो इसी के साथ शो को फिलहाल ही समेटते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश रुचित आपने समय दिया और पेशेंटली हमारे साथ वेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल बजट के दिन क्या कुछ निकल कर आएगा इस पर दिन भर नजरें बनी रहेंगी और आप सिर्फ ETNews स्वदेश के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, पूरा बजट का एक्शन सिर्फ ETNews स्वदेश में। नमस्कार।